contigo.
और कोई भी कैलकुलस का फार्मूला, अगर आप अपना भविष्य इंजीनियरिंग में ढूंढ रहे हो और आप बिना प्रूफ करे उसे याद करें, तो आप मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग में नहीं जाने सकते। कैलकुलस के सारे फार्मूले आप प्रूफ करिए, कोई दिक्कत आए हमने भी प्रूफ करवा दिए, मैक्सिमम जितने कोर्स में, जो कोर्स में नहीं है प्रूफ उनके, उनको भी नेट से ढूंढिए, उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं बताऊँ करिए। अब देखते हैं बारहवा और ग्यारहवा भाई भाई, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है, पर ये मैंने सिद्ध भी करवाया, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह यूज कर सकता हूँ पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स की जगह यूज कर सकता हूँ पाई बाई टू माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत? ग्यारहवें सवाल में कॉस इनवर्स दे रखा है, जो मैं सवाल बार बार लिख रहा हूँ, तो इस बारहवें सवाल को मैं ग्यारहवां सवाल बना देता हूँ। कैसे? बताओ मुझे, देखो अरे ये फॉर्मूला लगा दिया, साइन इनवर्स एक्स का मान देता है पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स ले लेंगे और पाई बाई टू माइनस, ठीक है, सूत्र लिख लेना साइन इनवर्स भाई। अब एक फॉर्मूला आपको और याद होना चाहिए, वन माइनस एक्स बार की बराबर बराबर, इस फार्मूले पर हमने बहुत जोर दिया था, इलेवेंथ में हमने कहा था कॉस थीटा के सारे फॉर्मूले कम से कम मुझे 10 बार तो प्रूव करवाए होंगे, उन्हें रिवाइज करें, उन सबका यहाँ पे ऐसे ही यूज होने वाले, मान लीजिए करेंगे एक्स के सापेक्ष, और टाइम वर्स का डेरिवेटिव बोर्ड पर कहीं ना कहीं लिखा भी जाएगा, तो पाई बाई टू जीरो, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ऐसे ही बाकी बच्चों के सवाल में भी ट्रिग्नोमेट्री ही यूज हो रही है, ठीक है, अब थोड़ा सा